हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म कैसे हो गाइस होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ तो यार आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग बात करेंगे आप सबके सबसे बड़े दुश्मन के बारे में यानी ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में देखो यार ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं आप सभी जानते हो डी एंड एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं पी ब्लॉक से दो से तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं उसके अलावा एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आने के चांस होते ही हैं तो इनको कैसे टैकल किया जाए उसके प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देने वाला हूं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए बहुत बहुत मजा आने वाला है तो कहीं सबसे पहली बात आप सभी ना जाने कितनी बार सुन चुके होंगे कि जो जे मेन्स में क्वेश्चन आते हैं वो एन बेस्ड आते हैं यानी एनसीआर लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं यानी अगर एन को हम अच्छे से कर ले तो क्वेश्चन ठीक होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे लेकिन अब इसमें डिफ़िकल्टी कहाँ फेस करते हो आप डिफ़िकल्टी फेस करते हो एन को पढ़ने में मेमोराइज करने में रिएक्शन को याद रखने में आपको सबसे बड़ी दिक्कत फेस होती होगी तो यार देखो पहली चीज़ तो ये ऑब्वियसली एनसीईआरटी बेहद इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन उसी में से कहीं ना कहीं घूम फिर के आने वाला है पॉइंट किन किन तरीकों से आप एनसीईआरटी को हैंडल कर सकते हो तो देखो पहला तरीका तो ये होता है कि और कई नीट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी एनसीआर है और जेई मेन के पीवाई क्यू भी कई सारे एनसीआर होते हैं तो अगर आप चैप्टरवाइज पीवाई क्यू करते हो और पीवाई क्यू करते करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते करते जहां पर भी आपको डाउट आता है उसके लिए आप एनसीआरटी रेफर करते हो तो उससे आप एनसीआर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो इट इज अ वेरी गुड थ टू रिवाइज एनसीईआरटी है ना क्योंकि उससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका हुआ और क्वेश्चन में जो भी डाउट आया जो भी आपको थ्योरी रेफर करनी है उसके लिए एनसीईआरटी भी गए यानी मूव फ्रॉम क्वेश्चन टू थ्योरी दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड मेथड जिसको आप यूज कर सकते हो ओके अगली चीज होती है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं जो पी ब्लॉक के होते हैं या एस ब्लॉक के होते हैं वो होते हैं वो होते हैं रिएक्शन बेस्ड या होते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड मेनली दो तरह के होते हैं अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड तो देखो यार स्ट्रक्चर बेस्ड में कोई भी इशू नहीं होता स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए यानी केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखाया जाता है कि ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर कैसे बनाने होते हैं सेंट्रल एटम अगर एक है तो क्या करोगे एक से ज़्यादा है तो क्या करोगे साइक्लिक होगा तो क्या होगा यानी अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं तो वो क्वेश्चन जो हैं ऑक्सी एसिड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे ठीक है अब उसके बाद स्ट्रक्चर बेस्ड के बाद अगली बात आती है को को कैसे करें? करें, तो यार देखो reactions को understand करने की कोशिश जैसे एक में कराया जाता है, जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ यानी रिएक्शंस की वेरियस कैटेगरी होती है रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है effect में भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं ओके तो अगर आपको रिएक्शन का टाइप समझ में आ गया तो उसका आउटकम भी आप समझ सकते हो यानी वो रिएक्शंस प्रॉपर रटने नहीं होती समझ नहीं होती है कि इसमें क्या हुआ और बहुत बार ऑर्गेनिक का उसमें एप्लीकेशन भी आ जाता है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्सिट्यूशन वाला जो पार्ट आता है सब्सिट्यूशन रिएक्शन वो सारे पार्ट आ, हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में भी आप अप्लाई कर सकते हो यानी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझना अगर आप समझ पाओ तो यानी आपको रिएक्शन करना और भी आसान हो जाएगा और लिख लिख के भी देख सकते हो अगला मेथड है रिएक्शंस को लिख के देखना जितना लिखोगे अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उससे क्या होगा लास्ट में समराइज करना जब वक्त बहुत कम होता है तो पी ब्लॉक को एस ब्लॉक को पूरा समझना आपके लिए रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेनली आपको जो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो उस पर क्वेश्चन आने के चांस एंड उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं ओके okay गाइज तो टू समराइज द वीडियो मैं आप सभी को बताता हूं कि एनसीआर टी एनी हाउ इंपॉर्टेंट है अगर आप सीधा उसको पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो क्वेश्चन के थ्रू पी वाई क्यू के थ्रू आप एनसीआर टी पे जाइए शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके अलावा रिएक्शन को समझिए स्ट्रक्चर